फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। सोशल मीडिया पर बुलीबाई ऐप ने ऐसा तहलका मचाया कि मुंबई से लेकर बैंगलोर तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक पुलिस के कान खड़े हो गए। आरोप है कि इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उनकी तस्वीरों का सौदा हो रहा था। एक पत्रकार के FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी एक महिला है जिसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरे शख्स विशाल झा को भी मुंबई साइबर पुलिस ने बेंगलोर से गिरफ्तार किया है। विशाल झा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और बिहार के रहने वाले हैं। विशाल झा को 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि बुलीबाई ऐप का मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। आरोपियों ने जानबूझकर ऐप को मुसलमान लुक दिया था। गिरफ्तार युवक सह आरोपी है जो मुख्य आरोपी के संपर्क में था। वहीं मामले में एक और युवक को हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने गिटहब के प्लेटफॉर्म ऐप पर नीलामी के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड किए जाने की शिकायत मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। अब आपको बताते हैं कि बुलीबाई ऐप है क्या और कैसे काम करता है। बुलीबाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गिटहब API पर होस्ट किया जाता है और सुली डील ऐप के समान काम करता है। ऐप मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर लोगों के लिए सौदे के रूप में पेश करता है। बता दें कि बुलीबाई के ट्विटर हैंडल को निलंबित कर दिया गया है। हाल की घटना में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का दुरुपयोग किया गया और 1 जनवरी को बुलीबाई के नाम से गिटहब का उपयोग करके एक ऐप पर एक अज्ञात समूह ने महिलाओं की तस्वीर अपलोड की। ऐप को URL bulibai.github.io पर होस्ट किया गया था। हालांकि लोगों ने जब सोशल मीडिया पर इस ऐप को शेयर किया, उसके बाद अब इसे हटा दिया गया है। ऐप से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले भी सूली डील्स नाम से एक ऐप आया था, जिसमें बुलीबाई की ही तरह महिलाओं की नीलामी की जा रही थी। बताया गया था कि उस मामले का आरोपी भी बिहार का ही रहने वाला है। नए साल के पहले दिन में सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर बुलीबाई डील नामक ऐप पर आपत्तिजनक बातें और तस्वीरों का पोस्ट किया गया और उसी दिन बवाल मचा। अब शिकायत के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।